जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, शत्रु किसके नहीं होते हैं। बहुत से लोगों के शत्रु दिखाई दे जाते हैं कि सामने वाला हमारा शत्रु है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन हमारा शत्रु है या नहीं है, या किसने हमारा अहित किया। तो आज शत्रु के विषय पर आपकी राशि के लिए बात करेंगे, शत्रु से कैसे बचे, शत्रु कौन है, शत्रु क्या है, और ये सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी पूरी मिल पाए, अधूरा देखने पर बहुत सी चीज़ें क्लियर आपके लिए नहीं हो पाएंगी। उससे पहले एक निवेदन है आपसे कि यदि आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें जय भोलेनाथ। आपके लिए एक और खुशखबरी की यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर 12 से 3 और शाम को 6 से 9 आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर लेकर बात आप कर सकते हैं। दोस्तों, शत्रु जो है वो आपको समझ ही नहीं आता है कि कौन हमारा अहित कर गया और हमें पता भी नहीं चला। कई बार चीज़ें हमें सामने से पता रहती है कि ये व्यक्ति हमारे से शत्रु है या ये हमारा दुश्मन है या ये दुश्मन है, और दुश्मनी जो है एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि जब लालच होगी, जब दो द्वंद्व लड़ेंगे तो लोगों का यदि बौद्धिक क्षमता है उतनी मजबूत नहीं होगी कि प्रतिस्पर्धा को शत्रुता समझना मूर्खता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, और लोग ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा को शत्रुता समझते हैं और वैसा ही व्यवहार भी वो करते हैं। तो पहली और मुख्य बात है कि शत्रुता की शुरुआत जो होती है वो जुबान से होती है, जीवान टंक। हम जब भी कुछ अभद्र या कुछ अमानवीय बात कह देते हैं बिना सोचे समझे, वो शत्रुता को जन्म देती है। इसलिए सबसे पहली बात है कि जाने अनजाने में भी हमें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता की गांठ जो एक बार बंध जाती है वो बहुत लंबी और खराब होती है, और आगे जरूर सुने इसे और जानकारी को पूरा समझे। दूसरी बात होती है लोगों की कहने में आकर। एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी मित्रता को शत्रुता में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के कहने में आकर थोड़ा सा शक पैदा करके शत्रुता को जन्म दिया जा सकता है। और वो शत्रु बहुत खतरनाक जो हमारा पहले से दोस्त हो, क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत सी कमजोरियों को जानता है, और लोग यही चाहते हैं कि दोनों के बीच शत्रुता कैसे उत्पन्न की जाए, किस तरह शक पैदा किया जाए। शक बहुत जल्दी शत्रुता पैदा कर देता है, इसलिए जीवन में कभी भी शक को जन्म ना दें, क्योंकि शक होगा तो शत्रुता आने में या दुश्मनी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका हल भी मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी बात होती है मौन। कई बार कुछ लोग जानबूझकर लड़ाई और झगड़े के लिए आमादा होते हैं, इसलिए आप मौन धारण करें, क्योंकि मौन में अपने आप बहुत बड़ा जवाब है, बहुत बड़ा जवाब और बहुत बड़ा न्याय है मौन, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल।